होप्ड दैट, ही होप्ड दैट, आई को हटा दिया क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। उसी ने तो सोचा, ही सैड, इसी बंदे ने तो कहा था, ही वाले ने, तो इसको एक साथ ही लिख दिया पूरा, ही होप्ड दैट इट विल। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। सुनो बात, पिछले डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली वीडियो में सर या मैडम तक जा चुके थे, अगर सेंटेंस के अंदर सर या मैडम दे दिया जाए तो कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, चलो उसके आगे से पढ़ते हैं। इसमें अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिख दिया, रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य के अलावा, देखो सेंटेंस दिया उसके अलावा क्या क्या दिया होना चाहिए, आई सपोज या फिर यू सपोज या फिर आई नो, काफ़ी सारे हैं, वीडियो पॉज करके लिख रहा हूँ अभी, आई नो, आई सपोज, यू सपोज, आई नो, आई सी, यू सी, टू टेल यू द बेल, ऐसे ऐसे शब्द दे दिए जाएं बाकी के अलावा। तो इनडायरेक्ट बनाने टाइम बिना बिना मतलब वाले शब्दों को हटा देते हैं, क्या करते हैं, रिमूव दीज, रिमूव द वर्ड्स विच हैव नो मीन्स, जिनका कोई मतलब नहीं होगा उन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं एग्जाम्पल फटाफट से, इतने में आ जाएगा नीचे, इरेज नहीं करता हूँ, समझाने के में काम आएगा। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेल राम, वेल राम, आई शैल गिव यू द प्राइज, प्राइज नॉट प्राइस, ठीक है आ गया ये, हाँ बिल्कुल, चलो फुल स्टॉप लगाएं, बनाना चालू करते हैं। शी की जगह शी, सेट की जगह टोल्ड, टोल्ड, अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए लगाएंगे हम लोग दैट, पर उससे पहले राम को लिखा जाएगा, ये कुछ कुछ पिछले वाले एग्जाम्पल्स जैसा है जो अभी करके आई, ठीक है, और फिर लगाएंगे राम दैट, शी टोल्ड राम दैट, वेल को यहाँ पर से हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है इस जगह पे। फिर लिखेंगे शी, आई को शी में चेंज कर देंगे शी के लिए, शैल का शुड होता पर यहाँ पे वुड होगा, ठीक है, शी वुड गिव यू द प्राइज, ठीक है, शी वुड गिव यू द प्राइज, ओके वेरी गुड। चलो उसी रूल का एक और एग्जाम्पल फटाफट से देख लेते हैं, एग्जाम्पल लिखता हूँ, फादर सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू सी आई कांट टॉलरेट सच थिंग्स, कैमरे में दिखाई पड़ रहा है, फ्लैश तो नहीं हो रहा, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, चलो इसको सॉल्व करा जाए। फादर सेट की जगह क्या होगा, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट है क्या, अरे लास्ट वाले में तो ऑब्जेक्ट था, मैंने बताया नहीं सही से, लास्ट वाले में राम था ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर सेट का सेट रहेगा, ठीक है। अब दैट यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दोबारा से दो दो दैट नहीं लिखेंगे, दैट दैट कैसा लगेगा लिखा हुआ, बहुत अजीब लगेगा, दैट दैट लिख दिया। अब यू को चेंज करेंगे फादर के हिसाब से, तो क्या होगा, सॉरी एक सेकेंड, क्या होगा, इसको ना रिमूव किया जाएगा क्योंकि यहाँ कोई मतलब नहीं है यू सी का, आई को चेंज करेंगे हम लोग फादर के हिसाब से और लिखेंगे ही कुड कुडंट या फिर कुड नॉट लिख देते हैं अलग से, कुड नॉट
टॉलरेट सच थिंग्स। ठीक है ओके, इरेज किया जाए, आगे बढ़ाएं कहानी, अगला रूल पढ़ें। बहुत एग्जांपल हैं मेरे पास, पर मैं सारे एक साथ नहीं करा रहा हूँ, किसी एक वीडियो में सिर्फ एग्जांपल ही एग्जांपल दूंगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के। चलो क्या है इस रूल में, रिपोर्टेड स्पीच के अलावा आई फील या आई होप दे दिया जाए। क्या क्या दे दी जाए, आई फील या फिर आई होप, किसके अलावा, रिपोर्टेड स्पीच के अलावा। ठीक, क्या क्या दिया हो, आई होप या आई फील, दोनों में से कुछ भी एक दे दिया जाए। तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम सैड की जगह पे यहाँ लिखेंगे फेल्ट, अगर ये दिया हो इसमें लिखेंगे होप्ड, सिंपल है, कुछ ज़्यादा करनी नहीं। फील लिखा हो तो फेल्ट, होप लिखा हो तो होप्ड। एग्जाम्पल देखेंगे फटाफट से, क्या लिखूं, ही सैड कॉमा इन्वर्टर कॉमा आई होप। अब यहाँ पे देखो, अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तब भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। आई होप, यहाँ पे एक और कॉमा, इट विल रेन टुडे, ठीक है, आई होप इट विल रेन टुडे। चलो बनाते हैं इसको, ही होप्ड दैट, ही होप्ड दैट, आई को हटा दिया क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, उसी ने तो सोचा, ही सैड, इसी बंदे ने तो कहा था, ही वाले ने, तो इसको एक साथ ही लिख दिया पूरा, ही होप्ड दैट इट विल रेन टुडे, टुडे का चेंज करते हैं ना, सॉरी दैट डे लिखेंगे। वेरी वेरी गुड, चलो इरेज करा जाए फटाफट से, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो एग्जांपल नहीं, नेक्स्ट रूल ही पढ़ लेते हैं, एग्जांपल्स की तो कह दिया ना, एक प्रॉपर से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। चलो इरेज किया, चलो कहानी को आगे बढ़ाया जाए। सुनो रूल है ये भी, सारे रूल चलो रूल करके ही लिखते हैं। क्या है रूल, रिपोर्टेड स्पीच में, सुनना बस ध्यान से सुनना इस चीज़ को, रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य दिया होता है, अगर वाक्य में सबसे पहले यस दिया जाए, ठीक है, यस दिया जाए तो सैड की जगह पे लिखते हैं कन्फेस्ड। क्या लिखते हैं, अगर यस दिया हो तो कन्फेस्ड, ठीक है, कन्फेस्ड, वेरी गुड, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिखते हैं, वो तो पहले से ही लिखते थे, कोई बात नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिखेंगे। और यस को हटाएंगे से सेंटेंस वैसे ही जोड़ देंगे, क्या करना है, रिमूव यस और बाकी का सेंटेंस वैसे ही जोड़ देंगे इनडायरेक्ट बना के, अगर कुछ बन रहा होगा तो, ठीक है ओके। एग्जांपल लिखता हूँ, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यस आई हैव फिनिश दिस वर्क, ठीक है, ही की जगह पे ही, सैड की जगह क्या लिखेंगे, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले होगा यस, मैंने पहले बोला तो सही था पर मैंने लिख उल्टा दिया, सबसे पहले क्या होगा, यस, तो सैड की जगह पे लिखेंगे कन्फेस्ड, ठीक है, जो ऊपर दिख रहा है, वेरी गुड। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ही के बाद क्या लिखेंगे, सैड को हटा के, बताया ना पहले से ही कन्फेस्ड लिखना है, कन्फेस्ड लिख दो फटाफट से, कन्फेस्ड, ठीक है। और क्या बताया था, रिमूव यस, तो यस को गायब करो, फिर क्या करेंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे, ठीक है, फिर वाक्य को आगे सॉल्व कर लेंगे, आई का होगा ही, हैव का बताया था हैड, क्या राइटिंग है भाई, डॉक्टर भी फेल हो जाए, ही हैड
फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रहेगा, फिनिश्ड दिस का होता है दैट, वर्क को वर्क। ठीक है, आ गया कैमरे में, बिल्कुल आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे पढ़ते हैं एक और रूल। रूल क्या, इसी को देखो, बिल्कुल सेम टू सेम है, ज़्यादा बदलाव नहीं है उसमें। यस की जगह नो करो, ठीक है, सबसे पहले नो होगा तो सैड की जगह पे क्या करेंगे बता, कन्फेस्ड की जगह करेंगे रिफ्यूज्ड। ठीक है, रिफ्यूज्ड लिख देंगे और यहाँ पे नो को हटा देंगे, है ना, रिमूव नो। बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं, एक सही तो है। एग्जांपल देखो, अरे यार ये तो काफ़ी बड़ा एग्जांपल है, उसी को लिख देता हूँ। He said, comma inverted comma no. चलो बड़ा है तो बड़ा ही लिख देते हैं, सब चिकना चाहिए। I shall not go to, I shall not go to the railway station. Go to the station कर देते हैं, ठीक है। I shall not go to the station. बस सॉल्व करते हैं इसको। ही सेड की जगह रिफ्यूज्ड, नो को गायब करना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई की जगह क्या लिखेंगे पता, ही, ये कैसा ही था, ही, और शेल के हिसाब से शुड होता पर यहाँ तो ही लगा दिया तो विल हो गया और उसका वुड हो गया। ही वुड नॉट Go to the station, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं दूसरा रूल। क्या है भाई, सुनो बात को सुनना। रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, क्या दिया वो कंडीशनल वाक्य, कंडीशनल कंडीशनल वाक्य दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच में कंडीशनल वाक्य दिया हो तो, और वो वाक्य, ये वाला कंडीशनल वाक्य इफ या वैन से शुरू हो। फ्लैश तो नहीं हो रहा कैमरे में, दिख रहा है, ठीक है। इफ या वैन से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लिखना है, ठीक है, ठीक है भाई। ये तो वैसे काफ़ी टाइम से यही करते आ रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं, रूल में लिखा होता है तो हमें बताना पड़ता है। चलो एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा If you go to Agra, if you go to Agra, you will see Taj Mahal भी लिख ही देते हैं, क्या करेंगे, ताज महल, ठीक है, you will see the Taj Mahal। चलो बनाते हैं इसको, दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, मैं दोनों बता दूंगा। इस पेज पे खैर एक ही आएगा, इरेज करके दोबारा से बताना पड़ेगा। चलो देखते हैं। ही टोल्ड मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, इफ, एक बार इससे बना सकते हैं, एक बार इससे बना सकते हैं, दो सेंटेंसेस है ना। इफ आई वेंट टू आगरा, कॉमा आई शुड सी द ताजमहल, आ गया कैमरे में, बढ़िया। इरेज करते हैं, एक और तरीका देखते हैं। देखो, ही टोल्ड मी दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया, ठीक है। आई शुड सी द ताजमहल,
इफ आई वेंट टू आगरा ठीक है बढ़िया चलो रूल देखते हैं अगला बात सुनो अगर इफ या वैन वाले सेंटेंस के अंदर वर हेल्पिंग वर्ब दी जाए क्या इफ या वैन वाले वाक्य में वर हेल्पिंग वर्ब हो ठीक है वर हेल्पिंग वर्ब हो बात सुनते रहना वर हेल्पिंग वर्ब हो तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज ही नहीं करते क्या रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज नहीं करते बढ़िया सुना आपने चलो एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल नंबर वन सरला सेड इफ माय कॉलेज वर नियर द हाउस इफ माय कॉलेज वर नियर द हाउस द हाउस ठीक है आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम ठीक है और लिखते हैं इसको सरला सेड दैट क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का चेंज नहीं किया सरला सेड दैट इफ हर कॉलेज वर नियर द हाउस पूरा सेंटेंस ऐसे उतार देंगे मैंने बताया तो चेंज नहीं करते बस आई का सी करेंगे यहाँ पे शी वुड नेवर अच्छा सी वुड ऑलवेज इन टाइम बस ऐसे लिख देंगे ठीक है चलो समझ गए थे ना उसके आगे शी वुड के आगे पूरा सेंटेंस वैसे लिख देना था चलो नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में रूल लिख देते हैं यहाँ पे अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस के अलावा वाक्य के अलावा थैंक यू दिया जाए ठीक थैंक यू दिया जाए अगर तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम सैड की जगह पे थैंक देते हैं क्या कहा सैड की जगह पे थैंक लिखना है ठीक है चलो एग्जांपल शुरू करते हैं फटाफट से ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थैंक यू ठीक है वैसे यहां पर हर बार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है मैंने एक बार भी नहीं किया आलस ही इतना है भाई क्या करें ही सैड का होगा थैंक्ड ठीक है और यू का हो जाएगा मी कितना सिंपल था एक और छोटा सा एग्जांपल देख लें फटाफट से हाँ चलो फटाफट से एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल देखने को कहा था मैंने एग्जांपल नंबर टू देखते हैं ही सैड एक सेकेंड कड़े ऊपर कर लो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थैंक यू फॉर माई हेल्प थैंक यू फॉर माई हेल्प ही को वैसे ही लिख दिया सैड की जगह बोला थैंक्ड लिखना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ नहीं लगाना फॉर से सेंटेंस चिपकाना है थैंक यू को तो गायब करना रहता है ना थैंक लिख दिया फॉर माई का हो गया हिज हेल्प ठीक है थोड़े से और बचे हुए थोड़े से क्या कह लो एक ही रूल बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं इनडायरेक्ट सिंपल वाले ख़त्म इंटरोगेटिव चालू हो जाएगा इसलिए ठीक है चलो क्या रूल है कुछ भी लिखता हूँ सच में चलो देखते हैं रूल क्या है अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई एम सॉरी दिया हो या फिर आई फेल्ट सॉरी दिया हो है ना तो फिर क्या करना है उसका इनडायरेक्ट बनाते टाइम
सैड या सैड टू की जगह पे फेल्ट सॉरी लिख देते हैं, क्या सैड या सैड टू की जगह पे फेल्ट सॉरी। यहाँ पे मैं दोनों क्यों लिखता हूँ पता है, अगर सैड टू होगा तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, सैड अकेला है तो प्रोबेबली ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, अगर हो या ना हो फिर भी लिखना यही है, ठीक। पहले सीखा था ना कि चेंज नहीं करते, पर यहाँ पे देख लिया ना। चलो एग्जाम्पल पढ़ लिए जाए, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर बींग लेट, और इसको गायब कर देना, ये मैंने बोला नहीं, देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। तो फिर ही सैड दैट ही वॉज, अभी तो आपने कहा था कि गायब कर देंगे, पर अब गायब तो हुआ नहीं, अभी दिखाऊंगा गायब वाला भी दिखा दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। पर यहाँ पे मैंने सैड दैट भी तो लिखा है, ऐसा तो लिखा नहीं फेल्ट सॉरी, दो तरीकों से बनता है इसलिए मैंने ये पहले बता दिया। ही वॉज सॉरी फॉर बींग लेट, ठीक है, और करके एक और तरीका देखेंगे फटाफट से। ही फेल्ट सॉरी, अब इससे बना रहा हूँ, ही फेल्ट सॉरी फॉर बींग लेट, ठीक है, ही फेल्ट सॉरी फॉर बींग लेट। चलो एक और एग्जाम्पल देख के सिंपल इनडायरेक्टली कहानी पूरी की पूरी खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम सॉरी आई कैंट हेल्प यू, कैंट को मैं कैन नॉट लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, पता नहीं क्यों, आई कैन नॉट हेल्प यू, ही फेल्ट सॉरी, इसके हिसाब से बना रहा हूँ मैं सारे, ही फेल्ट सॉरी एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा टोल्ड मी दैट ही कुड He could not help me. समझ में आया क्या किया मैंने, देखा I felt sorry तो पहले यहाँ से करके लिख दिया, ठीक है, और उसने एक और चीज़ करी ना, इस कोमा की जगह लिखा and told me, और कुछ दोबारा से बोल रहा ना तो इसलिए told लिख दिया और I का me कर दिया, I का me नहीं, क्या इसके हिसाब से लिखा है यहाँ पे से एंड टोल्ड मी, दोबारा से दो दो इनडायरेक्ट हो गए ना, एक तो इतना सा ही सेड टू मी आई एम सॉरी, एक ये वाला ही सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू, पहले बनाया ही फेल्ट सॉरी और दोबारा से और कुछ कहा तो एंड टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगाते हैं, पुराना वाला इनडायरेक्ट एक और बन गया यहाँ पे, ही का आई का ही कैन का कोड नॉट नॉट की जगह हेल्प यू का हेल्प मी हो गया, ठीक है। चलो इसी के साथ सिंपल इनडायरेक्ट की कहानी खत्म हुई, आगे इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ आगे के इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।